हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम है BR03 एजुकेशन। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो है जितने भी जो जॉब के लिए या फिर डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको कम एज में ही जो है एनडीए के अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, उन्हीं सब चीजों को जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को डिटेल में देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज चाहिए एनडीए एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और क्या क्या प्रोसेस होता है। उन सारे प्रोसेस को जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ये जो एनडीए का एग्जाम होता है यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि आपका खड़गवासला पुणे में स्थित, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है अगर हम क्लास की बात करते हैं, अगर आप प्रेजेंटली क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं या फिर क्लास 12th पास कर चुके हैं, ठीक है, तो आप उसमें जो है एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक अगला कंडीशन ये है कि आपका एज जो है 16.5 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स होना चाहिए, यानी 16.5 से 19 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, तभी जो है आप इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एनडीए का एग्जामिनेशन होता है वो यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है, ठीक है, और यूपीएससी की वेबसाइट पर आप जाएंगे, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे और सबसे पहले जो है ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। वो ओटीआर का मतलब ये है कि वो डेटा जो है आप कभी भी फॉर्म फिलअप करेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन का, तो डेटा सारा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आ जाएगा। उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले जो है यूपीएससी में जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, और वहां से जो है आपको ऑप्शन आएगा कि आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो है एनडीए और सीडीएस का है, दोनों का एग्जामिनेशन का आया है, लेकिन हम लोग इस वीडियो के अंदर सिर्फ एनडीए के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो है आप के पास डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो आधार कार्ड, मतलब कोई भी एक ऐसा आईडी प्रूफ चाहिए जो एग्जामिनेशन के टाइम पे आपसे वो मांगा जाएगा, दिखाया जाएगा कि हाँ ये आप ओरिजिनल कैंडिडेट हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक फोटो लगेगा उसमें, फिर उसके बाद जो है आप जो पूरा वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो इसमें यूपीएससी की जो फी होती है एग्जामिनेशन फी, वो काफ़ी नॉमिनल होती है। नॉमिनल का मतलब 100-200 होती है, यानी एनडीए का शायद 100 होता है और आपका सीडीएस का 200 होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि अगर हम इस वीडियो इस एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो है मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है। तो मैथमेटिक्स में जो है आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होता है और निगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। अब इस निगेटिव मार्किंग में क्या होगा कि अगर आप 3 क्वेश्चन सही करते हैं, अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन जो है उसमें सही का चला जाएगा, ठीक है, तो यानी 1/3 कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड पेपर का, जो जीएस जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है जिसको गैट के नाम से भी जाना जाता है, वो आपका टोटल 600 का होता है, जिसमें आपको इंग्लिश, साइंस, एसएसटी सारे चीज, मतलब जो भी जनरल एबिलिटी के अंदर होता है वो सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो वो 600 का टोटल आपका 900 का एग्जाम होता है। अगर आप 900 में लगभग 400-450 नंबर लेके आते हैं, मतलब 50% के लगभग आप नंबर लेके आते हैं, तो आपको उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि इंडिया का एग्जाम जो है देखा जाए तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो ईजी है, अगर जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो काफी टफ ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम इन सीटों के बारे में बात करते हैं कि इस बार जो है इंडियन नोटिफिकेशन में कितनी सीटें खाली हैं, तो सबसे पहले जो है हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी में बात करते हैं आर्मी कैटेगरी में, क्योंकि एनडीए के अंदर जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों कैटेगरी के लोगों को वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो सबसे पहले जो है अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी में 208 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 10 जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेवी के लिए, तो नेवी में जो है आपका 42 सीट्स हैं, जिसमें से 12 जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। उसी तरीके से अगर हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच में, जो आपका फ्लाइंग ब्रांच है, उसमें जो है आपके लिए 92 सीट्स है और 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। उसी प्रकार फ्लाई एयरफोर्स में ही ग्राउंड ड्यूटी के लिए 18 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 2 जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है। फिर उसके बाद जो है नेवल एकेडमी की बात करते हैं, तो नेवल एकेडमी में जो है वो 25 वैकेंसीज है, ठीक है। और अगर ओवरऑल वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं तो 395 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटीज है कि आप इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने ड्रीम को सही कर सक मतलब सही तरीके से अपने ड्रीम को पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जो है
जैसे ही आपका एनडीए का एग्जाम हो जाएगा तो उसमें क्या है कि आपको एसएसबी देना होता है। जैसे आप एनडीए रिटेन में क्वालिफाई कर गए तो एनडीए रिटेन में क्वालिफाई करने के बाद जो है आपका एक एसएसबी होता है जो कि 5 डेज का प्रोसेस होता है, जिसमें उसकी सारी जानकारी जो है हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको मिल जाएगी। और इसके लिए जो है बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ पे आपको उस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आप एसएसबी के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके और अपने आप को मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जो है आपका नाम आ सके। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये सब सारी चीजें तो एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में हुई, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि वैसे ही बच्चे जिनका ड्रीम है कि हम मुझे जो है डिफेंस फोर्स में जाना है, तो कम एज में जो है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, तो जिन बच्चों को लगता है कि मेरे से एनडीए एग्जाम क्लियर हो जाएगा या फिर तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। इसके बारे में जो और भी जानकारी मैं आपको देता हूँ, तो सबसे पहले जो है इसका एग्जामिनेशन जो होगा, जिस एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो मेनली आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन है वो 3 सितंबर 2023 को होगा, यानी 3 सितंबर 2023 को आपका एग्जाम होगा। तो इस एग्जामिनेशन में जो अपीयरिंग क्लास 12th के बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एनडीए का 152nd कोर्स होगा, ठीक है, और आपको एनडीए के अंदर जो है पूरे 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें से 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होता है। और एनडीए जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब एनडीए में आप कंप्लीट कर लेंगे अपना कोर्स, तो उसके बाद जो है आपको 1 साल जो है आईएमए भेजा जाता है। आईएमए में जो है आपको वहाँ भी 1 साल ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद एक आप ऑफिसर बन जाएंगे। देखिए अगर आर्मी में हैं आप तो आपको आईएमए भेजा जाएगा, अगर आप वहीं एयरफोर्स में हैं तो आपको आईएफए एकेडमी, जो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है, वहाँ पर भेजा जाएगा। और उसकी बात अगर हम बात करते हैं नेवी नेवी के लिए, तो नेवी में जो नेवल एकेडमी एजीमाला में है, तो वहाँ पर जो है नेवल एकेडमी के कैंडिडेट्स को भेजा जाएगा जो कैडेट्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करते हैं इस और एग्जामिनेशन के बारे में, तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा वो 17th of May को नोटिफिकेशन आया, और आप जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आज से ही। ठीक है, यानी 18th of May 2023 से आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और जो आपका लास्ट डेट होगा वो 6 जून को आपका लास्ट डेट है। और ओटीआर में अगर आप कुछ सुधार करना चाहते हैं, वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो आपका वो 13th of June तक सुधार कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है लगभग हर स्टेट्स में है, और एग्जामिनेशन सेंटर जो है अगर आप फर्स्ट प्रिफर करना चाहते हैं अपने होम, यहाँ पे आपको लगता है कि मेरे स्टेट में ही मिल जाए, तो आप जल्दी से जितना फॉर्म भरेंगे उतना आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सीट अलॉटमेंट, मतलब पहले फॉर्म भरेंगे तो आपको पहले वहां पे सीट अलॉटमेंट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जितने ही एस्पिरेंट्स हैं जो एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप जो है मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो बना कर लेकर आऊंगा, जैसे कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, क्या करते हैं। बस अभी जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में बात किए हैं कि एनडीए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज इसलिए है क्योंकि इस बार टोटल वैकेंसीज जो है वो 395 है, और 395 वैकेंसीज कम नहीं होती हैं, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं खास करके उनके लिए। और देखिए अगर आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर एक बार आपके मन में टारगेट है, तो आप पीछे नहीं हटिए, जरूर से जरूर जो है इस चीज के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप ऑफिसर बनते हैं तो लाइफ जो है आपका एक सेटलमेंट हो जाएगा, एडवेंचरस एडवेंचरस होगा, मतलब काफी चीजें जो है आपके लाइफ में बदल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।